दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय त्रिवेदी ओवरसीज जालंधर अमृतसर। पूर्व परिवहन मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएस बाली ने धर्मशाला उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने धर्मशाला में कांग्रेस के नए व पुराने कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर जयराम सरकार पर बड़ा हमला कर दिया। जीएस बाली ने मुख्यमंत्री से सवाल दागा कि जयराम बताएं कि पिछले दो साल में धर्मशाला और कांगड़ा के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मात्र मोदी के नाम पर वोट लेना चाह रही है, लेकिन जनता अब उन्हें सबक सिखाने के मूड में आ गई है। बाली ने कहा कि इस बार उपचुनाव नारों नहीं धर्मशाला के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। ऐसे में जनता प्रदेश सरकार से जवाब मांग रही है कि पिछले दो साल उन्होंने क्या किया। बाली ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगार हैं, लेकिन जयराम सरकार रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही हर वर्ष 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्रलोभन दिया गया था उसमें बीजेपी कितने कदम आगे बढ़ी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद क्या हुआ? मैंने पहले इसका जवाब बीच में दिया था, लोकतंत्र को खतरा है अगर आप अपनी नीति में इस बात को कर लें कि मैंने इसको मार के जीना है, तो आप उसको मार करके कभी मर भी जाएगा दूसरा, आप कभी शांति से जी नहीं पाएंगे। तो जो ये सोच रहे हैं कांग्रेस मुक्त तो नहीं होगी, मगर ये अहंकार के खिलाफ सदा हिंदुस्तान की जनता रही है, तो कभी ना कभी इनको। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। लो जी, शुक्रिया जी। चाचा जी, की हाल है मुंडे दा ऑस्ट्रेलिया विच? कृपा जी, सुख नाल कमाई करने वाला हो गया, समझ नहीं आती तुहाडा धन्नवाद किवें करिए। धन्नवाद मेरा नहीं, त्रिवेदी ओवरसीज दा करो, जिन्हां ने अपने वर्गे हजारां लोकां नूं सही राह विखाया है। त्रिवेदी ओवरसीज, turning dreams into reality.